हमने तो देखा ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, अब दूसरों के क्या बताएं, अब हमको कैसे नहीं विश्वास होगा। ये रामचरितदास में उनसे पूछ सकते हैं आप। हमने 12 फरवरी 2002 में स्पष्ट देखा है, मूर्ति में भगवान हैं। जानकर मैं ये बात आज कह रहा हूं, सनातन धर्म पर चारों से हमले किए जा रहे हैं। अब जो भी बड़ा बनता है उसकी यही परिभाषा उस सनातन धर्म के विरुद्ध अवश्य बोलेगा। ऐसे बड़े लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं, अपने घर बने रहें। मुझसे किसी ने पूछा आप में कोई चमत्कार है, मैंने कहा मेरे में कोई चमत्कार नहीं, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं, बहुत साधारण व्यक्ति हूं मैं भाई। वो भी आप लोग तो समर्थ, मैं दृष्टि बाधित भी हूं भौतिक दृष्टि से, मुझमें कोई चमत्कार नहीं, पर चमत्कार है हमारी चित्रकूट बिहारिणी और चित्रकूट बिहारी जो है, इनमें चमत्कार है। प्रत्यक्ष दिखता है चमत्कार। वही घटना बार बार मैं बता रहा हूं, कौन तारीख मैंने अभी आपको बताई, हाँ 12 फरवरी 2002, घड़ी की टाइम से समय है 3 बजे रात का। तुम्हारी बुआ जी उस समय विराज नहीं थी, उसमें हमारा उत्थाखंड अभी अभी हम भक्ति में आगे उसको बनवाया विमर्श, वहीं हम शयन कर रहे थे। हमने तो स्पष्ट देखा कि किशोरी जी आ रही हैं और हमको उलाहन दे रही हैं। देखे गुरु जी, मुझे गुरु जी बोलती हैं, देखिए अब आपको मैं पाखंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, सिंहासन के को हाथ पर रख लिया, हाथ सिंहासन पर हाथ रख दिया मैंने, कोई न तो पाखंड कर रहा न झूठ बोल रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं कि दो नव दंपति परस्पर लड़ रहे हैं, पति कह रहा है मुझे प्यास लगी है, मंदाकिनी से जल ला के दो, और पत्नी कह रही कि मैं जगत गुरु जी की बहू हूं, मैं 3 बजे रात मंदाकिनी नहीं जा सकती, थोड़ा क्षमा कर लीजिए, सहन कर लीजिए। अब दोनों का चल पड़ा, वो कहते मुझसे सहन नहीं हो रहा है, वो कहती सहन करिए आप, मैं नहीं जाऊंगा, जगत गुरु जी की बहू हूं। अब दोनों बाता कहनी हो गई, दोनों झगड़ते झगड़ते आए तो हमसे ही कहा देखिए गुरु जी इनको देखिए, ये मुझे रात में मंदाकिनी जाने के लिए विवश कर रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि क्या नाम, मैंने भी सीता जी का पक्ष लिया, बहु रानी जी कहे राघव यार तुम ऐसे गड़बड़ मत करा करो, यहां तक तो ठीक हमारी उनकी बात। फिर मैंने किसी विद्यार्थी को नहीं जगाया, स्वयं किवाड़ खोला, नीचे आया और नीचे से हम मंदिर आया, मंदिर बंद था, फिर जहां वो सो रहा था क्या नाम इसका रामचरितदास, वहां गए अकेले गए, भगवान ने व्यवस्था कर दी मेरी, और रामचरितदास से पूछा हमको सही बता दो आज क्या गड़बड़ है, तो रामचरितदास
आलसी है पर भावुक बहुत है, इतना जानता हूं, बहुत भावुक लड़का है। स्वर भी भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, भावुक लड़का है। कहा गुरु जी आज मैंने भूल ये की थी कि राघव जी को जल नहीं रखा था, ये तो कोई मैं बनावटी नहीं कर रहा हूं, रामचंद्र दास से आप पूछ लीजिए। तो यदि मूर्ति में भगवान नहीं है तो घटना कैसे घटी ये बताइए। प्रतिदिन मैं जब दर्शन करता हूं तो सीता जी के तो मुझे यही लगता है, उतना सुंदर सिर पर पल्ला आप लोग नहीं रखती है। ये तो कहो पहले ही लोग सूट पहन के चली आती थी राघव सेवा में, तो मैंने डांटा एक दिन बिना माता को, मैं गई ये झगड़ा हो जाएगा मेरा, यहां आना है तो साड़ी पहन के आओ नहीं तो माता ना। तो देखिए बिल्कुल सत्य है, इस बात को अपने मन में गठिया लीजिए आप, हम तो गठियाए हुए हैं अब परसाली। सभी मंदिरों में एक ही बार भगवान का भोग लगता है, कहीं कहीं दो बार लगता है, पर प्रायशः 99% कहो तो, और मैं तो कहूंगा 100 में 999, 1000 में 1999 परसाल। मुझे संकेत हुआ कि गुरु सायंकाल भूख लग जाती है, तो हमने अपने भंडारी को बुलाया, हमका देखो हम तुमको पैसा देते हैं तुम्हारी व्यवस्था करते हैं, ये साधु लोग आलसी होते हैं, इनका नियम होता है दोपहर पाएंगे और शाम का उसी में भर लेते हैं, स्वयं तो शाम को ठूसेंगे और भगवान को उपवास करवाएंगे। हम कहे नहीं, आज से सायंकाल भी ब्यारू में भी भगवान को भोग लगेगा, तब से भोग लगने लगेगा। तो देखिए विश्वास कीजिए कि आठों प्रतिमाओं में भगवान का निवास रहता ही है। किसी प्रकार का संदेह नहीं। भगवान तो भगवान, अयोध्या में रामराज हैं बिल्कुल है। ये हमको पत्थर दिख रहा है, परिवास्तव पत्थर नहीं तो भगवान का स्वरूप चिन्मय है ये। अतः भागवत का श्लोक नहीं भूलना चाहिए, शैले दारुमयी लौही ले प्याले ख्याच सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा मता।